नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल सबसे मंत्रालय दीपक राय में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में मैंने आप लोग को अपडेट दी थी कि 10,000 भर्तियां, जिसमें से 5,000 लेखपाल, राजस्व लेखपाल की भर्तियां भी प्रस्तावित है, दिसंबर तक नोटिफिकेशन आएगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को गणित के सिलेबस से परिचय कराना चाहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने पर एक छोटी सी आपकी उपयोगी जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों, अब आप मुझे सभी सरकारी जॉब, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी के लिए आप मुझे अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, और फॉलो करने के लिए बस आपको इतना करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, करीब 1300 से ऊपर छात्र मुझे फॉलो किए हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने कोई भी डाउट पर्सनल चैट मुझसे कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज के थ्रू भी आप अपने डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए उपयोगी जानकारी। आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है आपके। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो सिलेबस है, ये है 2015 में जो भर्ती आई थी लेखपाल की, उस समय का जो ये सिलेबस था, तो ये चार पार्ट में डिवाइड था। देखिए, जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। तो उस समय क्या था आपका, 25-25 क्वेश्चन थे, ठीक है, 25 हिंदी में था, 25 मैथमेटिक्स में था, जीएस में था, जो छात्र उस समय पेपर दिए उनको पता होगा, और विलेज एंड सोसाइटी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन थे, और आपके टोटल कितने मार्क्स के थे, 80 मार्क्स के, यानी 25 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क 20 था, और ड्यूरेशन आपकी थी 90 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट, कुल मिलाकर 1.5 घंटे का पेपर था, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरव्यू के थे, यानी कुल आपका टोटल 100 नंबर का था। लेकिन अब हालांकि इंटरव्यू आपका ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर आयोग ने एक बात क्लियर स्पष्ट कर दी है कि अब यूपी TSSC में ग्रुप सी की भर्तियों में प्री और मेंस होगा। प्री आपका एज ए स्क्रीनिंग परीक्षा होगा, जहाँ पे आपकी काफ़ी लेवल पर, जैसे आप देख रहे हैं कि वीडियो में 14 लाख के ऊपर फॉर्म भर चुके हैं, 14 लाख अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म भरे गए हैं। अब यहाँ पर दिक्कत है कि वीडियो में प्री और मेंस कैसे लागू करें, विज्ञापन निकल चुका था, फॉर्म फिलअप हो चुके थे, लेकिन आगे की भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, छटनी करने के लिए, और साथ ही साथ आयोग ने अपने जो इंतजाम की है, इंतजाम में आपका पर्चा लीक जैसा नलकूप ऑपरेटर का हो गया था, तो अब कई सेट बनेंगे और प्री और मेंस होगा, तो छटनी होगी, और इसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं, कि यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन था, जिस प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी में 50-50-50 तीन खंड थे, आपके हिंदी के थे, आपके GS के थे और रीजनिंग के थे, तो 50-50 डिवाइड कर दिए थे, तो पहले वो ऐसे ही वहाँ पर ये मानक था, लेकिन यहाँ पर उम्मीद की जा रही कि जो ये 25 है, यहाँ पर ये बढ़ाकर ये 40 हो सकता है, ठीक है, 40-40 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी टोटल आपके 200 हो सकते हैं, और जो समय होगा वो आपका होगा 2 घंटे का। जिस प्रकार से आपके विकास दल अधिकारी में जो 200 क्वेश्चन आए थे और आपको समय मिला था 2 घंटे का, तो उसी प्रकार के यहाँ पे भी है, और इंटरव्यू पार्ट नहीं है, तो अब इंटरव्यू तो होना नहीं है, तो आपका प्री और मेंस में होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे बात बड़ी बात कर लेते हैं कि रीजनिंग नहीं है, यहाँ पर आपके लेखपाल में रीजनिंग नहीं है, जबकि वीडियो में रीजनिंग है, मैथ नहीं है, यहाँ पर रीजनिंग नहीं है, मैथ है। तो मैथ में हम कैसे अच्छी तैयारी करें कि हम अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, तो मैथ का दोस्तों देखिए सिलेबस क्या है, यहाँ पर आपका आएगा अर्थमेटिक एंड स्टेटिक्स, एलजेब्रा और जियोमेट्री। देखिए कितना ब्रॉड सिलेबस है मैथ का, और आपको सब कुछ देखना है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्टेटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तो ये देखिए, ये है आपके सिलेबस, इसलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप सिलेबस से परिचय हो जाए, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप GS, हिंदी, रीजनिंग, तो वीडियो की तैयारी तो मैं करा ही रहा हूँ, वीडियो के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो यही चीज़ें वहाँ सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैथ है, रीजनिंग नहीं है, मैथ है, और मैथ का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पर, अलजेब्रा में भी LCM, SCF, रिलेशन बिटवीन LCM एंड SCM, ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्री में ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, बहुत ही सिलेबस कह सकते हैं कि आपका मैथ का ब्रॉड है, तो अभी से इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिसंबर तक प्रस्तावित जो है आपकी नोटिफिकेशन आएंगी, तो दिसंबर तक है, हो सकता है जनवरी या फरवरी में एग्जाम, दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद जो भी एग्जाम हो, तो आपका जो भी 4-5 महीने का, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ के, बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, और माइनस मार्किंग तो है, तो माइनस मार्किंग से भी संभल के रहना दोस्तों। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को मैथ के सिलेबस से परिचय करा दें।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उपयोगी लगी तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो भी बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में सकता है, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।